त्योहारों का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन बाजार आर्थिक मंदी से उबर नहीं पा रहा है, जिसके चलते व्यापारी ज्यादातर नाखुश नजर आ रहे हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। व्यापारियों ने कहा कि बाजार में मंदी काफी समय से है, उन्हें उम्मीद थी कि त्योहार आते ही मंदी कुछ कम होगी, लेकिन त्योहारों का सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में मंदी का वैसा ही आलम है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वह जल्द ही आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए, अन्यथा घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। त्योहार का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन बाजार आर्थिक मंदी से नहीं उबर पाया है, जिसके चलते सोलन व्यापारी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उनके माथे पर शिकन की लकीर दिखाई दे रही है। व्यापारियों ने कहा कि बाजार में मंदी काफी दिनों से चल रही है। उन्होंने उम्मीद की थी कि त्योहार आते ही कुछ मंदी जरूर कम होगी, लेकिन त्योहार का सीजन खत्म होने वाला है, उसके बावजूद बाजार में मंदी वैसी की वैसी ही है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि वे जल्द ही आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए, अन्यथा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सोलन के व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी और नोटबंदी आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इनकी वजह से बाजार में मंदी आई है और ग्राहक अब सेविंग मोड में चले गए हैं, और यही वजह है कि बाजार में आर्थिक मंदी छा गई है। उन्होंने कहा कि सभी त्योहार निकल चुके हैं, अब शादियों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये खरीदारी केवल खाना पूर्ति की हो रही है, लेकिन मंदी जस की तस बनी है। त्योहारों को एक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी नवरात्रि निकले हैं और तारा भी शुद्ध हो चुका है, तो शादियों के दिन काफी हैं, तो मार्केट में कुछ फ्लो स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आप आर्थिक मंदी को देखा जाएगा तो हमारी इकोनॉमी अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी इकोनॉमी हमारी, जो देश की इकोनॉमी है, वो सेविंग मोड में चली गई है। लोग जितने भी जो किसान हैं, बागवान हैं, या जो हमारे सर्विस क्लास लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी दो लोगों के, दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ पर आधारित है, एक बागवान किसान और दूसरा सर्विस क्लास। लेकिन इस समय एक माहौल ऐसा बन गया है कि सारी इकोनॉमी जो है एक तरह से सेविंग मोड में है।